हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके के ब्यूटीफुल लटकन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3x3 लंबाई के और चौड़ाई के इस तरीके के फैब्रिक के पीस को कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से मेरी डोरी को तैयार कर लिया है। यदि आप डोरी बनाने का वीडियो भी देखना चाहते है तो उसकी भी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमें यहाँ पर लटकन के फैब्रिक को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है। फिर हमें सेंटर में हमें हमारी डोरी को इस तरीके से रखना है। अब हमें साइड में से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो फैब्रिक है वो डोरी के ऊपर नहीं आना चाहिए, बीच में इस तरीके से डोरी दिखनी चाहिए। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद अब हम वापस से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम लटकन को सीधी तरफ पलट लेंगे। सीधी तरफ पलटने के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर फैब्रिक को इसके ऊपर नहीं लगाया था, जिसकी वजह से यहाँ का फैब्रिक है वो इस तरीके से दोनों ही तरफ से अच्छे से निकल कर आ रहा है। फिर हम डोरी के ऊपर 1.25 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और हमारा दूसरा लटकन का पीस भी इसी तरीके से हम अटैच करेंगे। इसी तरीके से ऊपर की तरफ 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हम तीसरे लटकन को भी अटैच कर लेंगे। इस तरीके से तीनों ही लटकन को अटैच करने के बाद अब हम इस तरीके से मोती को अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से सुई में धागे को पिरो लिया है। फिर हम सेंटर से इस तरीके से सुई को निकालेंगे। फिर हम यहाँ पर 3 मोती को इस तरीके से पिरोएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ से हमें इस तरीके से धागे को निकालना है। फिर हम सेंटर में से इस तरीके से धागे को निकालेंगे। सेंटर में से सुई को निकालने के बाद सबसे पहले वाला जो मोती है उसमें से हमें सुई को इस तरीके से निकालना है। फिर हम सुई को नीचे की तरफ ले जाएंगे और ऊपर वाला जो पहले वाला मोती है उसमें से हम इस तरीके से धागे को निकालकर सुई को बाहर की तरफ निकाल लेंगे और पीछे की तरफ नोट ले लेंगे। इसी तरीके से सभी लटकन में हम मोती को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लटकन को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।